तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और आज की हमारी इस मूवी का नाम है हाउसवाइफ, और ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी से लेकर आता हूँ। तो आइए, हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए। इस मूवी की शुरुआत एक औरत की पेंटिंग से होती है। उस पेंटिंग के सामने एक औरत कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उस पेंटिंग की औरत के गले में जो लॉकेट था, उसने भी वही लॉकेट पहन रखा था। उस औरत की दो बेटियां थी, जिसका नाम था हॉली और हेजल, और वो दोनों अपने रूम में खेल रही थी। हॉली ने एक अजीब तरीके का पेंटिंग बनाया था, जो कि नॉर्मल बच्चे ऐसी पेंटिंग नहीं बनाते हैं। और हॉली हेजल से पूछती है कि क्या विजिटर्स आ गए और हमने आज तक विजिटर को क्यों नहीं देखा है। हेजल कहती है कि सिर्फ मॉम ही विजिटर से मिल सकती हैं। और तभी हेजल नोटिस करती है कि उनका फर्स्ट पीरियड शुरू हो चुका है। होली को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं, और डर के मारे अपनी माँ को अपने रूम में बुलाती है। उनकी मॉम हेजल के फर्स्ट पीरियड को देखकर रोती है और होली से कहती है कि हम लुका छुपी खेलेंगे और तुम अपनी आँखें बंद करके 100 तक की गिनती करना। होली भी गिनती करने लगती है और हेजल की मॉम उसे अपने साथ में ले जाती है। तभी रूम का डोर अपने आप खुलता है और बाहर होली को हेजल की डॉल दिखाई देती है। वो डॉल को लेकर अपनी माँ और हेजल को ढूंढने लगती है। तभी होली नोटिस करती है कि उनकी माँ ने हेजल को टॉयलेट के पानी में डुबाकर मार दिया है। होली ये देखकर डर के मारे चिल्लाती है और अपने रूम में छुप जाती है। उसकी माँ एक छोटे से खंजर को लेकर होली के पीछे जाती है और कहती है कि वे विजिटर चले गए हैं। फिर होली एक छतरी को लेकर अपनी माँ से छुप रही थी, लेकिन उसकी माँ खिड़की के पास आकर उसे डरा देती है। होली सीढ़ियों के पास डर के मारे बैठ गई थी और उसकी माँ चाकू लेकर उसे मारने आ रही थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रही है, और वो होली को मारने ही वाली थी कि तभी होली के पिता आकर अपनी वाइफ को पकड़ लेते हैं। होली के पिता अपनी बेटी होली को बचाने के चक्कर में खुद उस छुरे से बुरी तरीके से जख्मी होकर मारे जाते हैं। और इतनी सी छोटी उम्र में होली ने इतना भयानक नज़ारा देख लिया था। अब बहुत साल बीत जाते हैं और अब होली बड़ी हो चुकी थी। होली की शादी भी हो गई थी और हम देखते हैं कि होली अपने पति टिमोसिन के साथ में इंटीमेट हो रही है। इंटीमेट होने के बाद में होली बाथरूम जाती है और वो अभी भी बचपन के भयानक बातों को भूली नहीं थी। उन बातों को याद करके वो आज भी डरा करती थी, और इसीलिए वो टॉयलेट सीट भी यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि बचपन की हर चीज़, हेजल की डॉल, उसका डॉल हाउस उसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। इंटीमेट होने के बाद में होली हमेशा प्रेगनेंसी कंट्रोल करने की पिल्स लेती थी, और शायद वो उन डर की वजह से खुद का बच्चा नहीं चाहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि होली की मदर के गले में और उस पेंटिंग की औरत के गले में भी जो लॉकेट था वो होली ने पहन रखा था। और होली अगर कहीं बाहर भी जाती है तो उसे किसी का बच्चा देखकर अजीब फील होता है। होली को फिर एक दिन कांच का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिसे वो घर में लेकर आती है। और होली एक हाउसवाइफ थी जो कि अपने हस्बैंड को ही खुश करने में लगी होती है। वो घर का पूरा काम अकेली देखा करती है। टिमोसिन ने एक पेंटिंग बनाया था जो कि वो होली को दिखाता है, और वो पेंटिंग वैसा ही था जैसा कि होली ने बचपन में ड्रॉ किया था। टिमोसिन के मुताबिक उस पेंटिंग में कुछ कमी थी। होली फिर सड़क से उठाए उस छोटे से आईने के टुकड़े को धोकर अच्छे से छोटा सा ड्रेसिंग टेबल बनाकर अपने डॉल हाउस में सजा देती है। फिर होली अपने हस्बैंड टिमोसिन के साथ में इंटीमेट मोमेंट्स को याद करती है और खुद को प्लेजर देती है। तभी उसे बचपन का वो समय याद आता है जब उसकी माँ ने हेजल और उसके पिता को मार डाला था, और उसे याद करके होली रो रो कर सो जाती है। अगले दिन फिर होली और टिमोसिन अपने दो दोस्तों के साथ में अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर टिमोसिन अनाउंसमेंट करता है कि वो और होली बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन होली को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। वहीं पर उसके दोस्त एक कल्ट के बारे में बातें करते हैं जिसका नाम अम्ब्रेला एंड लव था, और वहाँ पर होली और टिमोसिन की एक दोस्त वैलेरी भी उस कल्ट में शामिल थी, पर वहाँ जाने के बाद वे कहीं गायब हो गए थे। उस कल्ट का अगले दिन एक गैदरिंग होने वाला था और उनके दोस्त उनको उसी गैदरिंग में इनवाइट करते हैं। होली कुछ कह पाती उससे पहले ही एक बच्चा होली के बालों को पकड़ लेता है, जिससे कि होली को बचपन की बातें याद आने लगती है और वो बहुत पैनिक करने लगती है। सीन कट होता है और रात के समय होली को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने कुछ पेपर्स को देखने लगती है। उन पेपर्स पर अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, और एक पेपर कटिंग में होली की फैमिली के बारे में भी लिखा हुआ था। तभी होली को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो उठकर एक रूम में जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी। तभी एक लड़की पीछे से होली को पकड़ती है, और वैलेरी थी। वैलेरी और होली एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, पर यह बस होली का एक सपना था। लेकिन सुबह उठकर होली देखती है कि उसका सपना सच हो गया था।
वैलेरी सच में उसके घर पर आई थी और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वैलेरी उन दोनों को कल्ट में इनवाइट करती है और उसी शाम वे तीनों उस कल्ट के गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पर टिमोसिन और होली के दोस्त भी आए थे। फिर होली बाथरूम जाती है और वहाँ भी वो टॉयलेट को यूज़ नहीं करती है। टिमोसिन को वहाँ पर एक आदमी भी मिलता है जो कि इस कल्ट में शामिल होने के लिए मर्ग को साया था। इस तरफ होली को एक रूम में ब्रूस नाम का एक आदमी दिखता है जो कि नेकेड होकर डांस जैसा कुछ कर रहा था। और कुछ समय के बाद कल्ट की मीटिंग शुरू होती है और वहाँ पर ब्रूस स्टेज पर आता है। ब्रूस कहता है कि वे लोग किसी को भी सपने में देख सकते हैं और इस कल्ट के सभी मेंबर उनकी फैमिली है। वे सभी विजिटर्स हैं और किसी को भी टच करके उनकी सारी बातें जान सकते हैं। ब्रूस होली के पास जाकर कहता है कि वो कल्ट के सोलमेट है और होली के हाथ को और सर पर टच करके वो होली के मन में चल रहे बचपन की बातों को ब्रूस जान लेता है। और यहाँ तक कि होली खुद को भी किसी बाथरूम के अंदर महसूस करती है जहाँ के टॉयलेट से ब्लड बाहर आ रहा था। ब्रूस होली के गले में उस लॉकेट को देखकर एक लड़की को कहता है कि वो हमें मिल गई है। इस कल्ट में जाने के बाद में होली थोड़ा खुश महसूस कर रही थी लेकिन टिमोसिन को लगता है कि ब्रूस एक नंबर का धोखेबाज आदमी था। होली टिमोसिन को बताती है कि पता नहीं ब्रूस ने क्या किया है पर उसे अब बहुत फ्री और हल्का महसूस हो रहा है। होली टिमोसिन को ये सच भी बता देती है कि वो हमेशा प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए पिल्स लिया करती थी क्योंकि वो बच्चे के लिए रेडी नहीं थी लेकिन अब वो बच्चे के लिए रेडी हो गई है। टिमोसिन को ये जानकर थोड़ा बुरा लगता है और वो होली से कहता है कि उसकी जो भी परेशानी हो वो उसे शेयर कर सकती है और वो सबके साथ नॉर्मल रहे। होली वैलेरी से पूछती है कि उसने ब्रूस के साथ में क्या महसूस किया था लेकिन वैलेरी कुछ भी क्लियर नहीं बताती है। तो होली गुस्से में कहती है कि वो 2 साल से कहाँ गायब थी और अब वो कुछ भी बताना नहीं चाहती थी जबकि होली ने घर से लेकर हस्बैंड तक उसे सारी बातें शेयर की थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वे तीनों एक साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और वैलेरी कहती है कि वो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी। ये सुनते ही होली वैलेरी को किस करने लगती है और टिमोसिन भी उनको ज्वाइन कर लेता है। वो तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं यानी कि वे तीनों थ्रीसम कर रहे थे लेकिन इंटीमेट होते समय होली को टिमोसिन की जगह ब्रूस नजर आता है और इसी बात को लेकर होली को नींद नहीं आती है जिससे कि वो उठकर अपने रूम में जाती है जहाँ पर चादर के नीचे होली को रोशनी नजर आ रही थी लेकिन चादर हटाने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। और अचानक होली के पास से कोई भागता है। वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई थी और होली उस चीज का पीछा करती है। वो घर के बाहर भी चेक करने जाती है और जंगल में उसे कोई नजर भी आता है जो कि एक पुराने घर के अंदर घुस रहा था। होली उस घर के अंदर जाती है और वहाँ पर एक खून से लथपथ औरत थी जिसे देखकर होली बहुत ज्यादा डर गई थी और वो औरत होली के लॉकेट को छीन लेती है। होली डर से चिल्लाते हुए बाहर आती है और तब तक टिमोसिन और वैलेरी भी वहाँ पर आ गए थे। होली उनको सारी बातें बताती है और वैलेरी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी माँ थी और होली को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसकी माँ थी। टिमोसिन होली को संभालता है लेकिन टिमोसिन को घर के अंदर देखने पर कोई नहीं दिखाई देता है। अब अगले दिन टिमोसिन पूरे घर में होली के लॉकेट को ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता है। और इधर होली किसी को बिना बताए कल्ट की मीटिंग वाली जगह पर जाती है। वहाँ पर होली को विजिटर नाम की एक बुक दिखाई देती है। उस बुक में होली के बारे में अभी तक की सारी बातें लिखी हुई थी। होली वहाँ से आगे बढ़ती है और एक रूम में जाती है जहाँ पर ब्रूस किसी लड़की से बातें कर रहा था और वो लड़की होली ही थी। मतलब कि होली खुद के ही सपनों में घूम रही थी। ब्रूस होली को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है और वहाँ से होली अपने बचपन वाले समय में चली जाती है जहाँ पर छोटी होली आंख बंद करके काउंट कर रही थी और उस समय दरवाजा खोलने वाली प्रेजेंट वाली होली ही थी। और ये सब देखकर होली कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। होली बाथरूम में जाकर नोटिस करती है कि हेजल अपनी माँ की हाथों से नहीं मरी थी बल्कि छोटी होली से गलती से छतरी हेजल को लग गई थी और सर के फटने से हेजल की मौत हो गई थी। और हम देखते हैं कि होली की माँ उस समय अडल्ट होली को देखकर विजिटर विजिटर चिल्ला रही थी। ये सब देखकर होली होश में आती है और रोने लगती है और वे सब मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसके हाथों उसकी बहन का खून हुआ था। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। ब्रूस होली को रोकता है और कहता है कि अगर वो यहाँ से गई तो वो भी उसे वापस नहीं ला पाएगा और होली ब्रूस की बात नहीं मानती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वो उसी कल्ट के गैदरिंग में आ जाती है और होली इन सबसे कन्फ्यूज हो गई थी और वहाँ से भागती है। इस तरफ ब्रूस खुद से ही बातें कर रहा था जैसे कि उसके साथ में कोई और पर्सन हो। ब्रूस यहाँ पर होली के बारे में कहता है कि वो हमारी मास्टर विजिटर है और होली वापस घर में आकर टिमोसिन को ढूंढती है। तभी उसे एक बच्चे दिखाई देती है जो कि हेजल थी। हेजल दौड़कर होली के पास आती है लेकिन होली के पास में आते ही वो बदलकर खून में लथपथ होली की माँ में बदल गई थी और वो चिल्लाकर गिर जाती है जिसके बाद में वैलेरी उसे संभालती है। तभी सीन फिर से कल्ट के गैदरिंग में आता है और सभी ब्रूस के लिए ताली बजा रहे थे लेकिन टिमोसिन को होली के माइंड से खेलना पसंद नहीं था तो कल्ट उसे वहां से निकाल देता है और टिमोसिन
अपने आप को अपने घर के पास पड़ा हुआ पाता है। उसके हाथ में होली का लॉकेट था और सीन फिर से होली और वैलेरी के पास आता है जहाँ पर वैलेरी उसे संभाल रही थी। ब्रूस कहता है कि होली तुम ड्रीम की मेज में खो गई हो और तुम सिर्फ मेरी मदद से ही बाहर आ सकती हो। होली भी अब ब्रूस की सारी बातें मान रही थी और टिमोसिन वहाँ पर आता है। ब्रूस उसे सिर्फ टच करके ही हिप्नोटाइज कर देता है और टिमोसिन अब लाचार पड़ा हुआ था। ब्रूस फिर से होली को वही लॉकेट पहनाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं। ब्रूस कहता है कि ये सभी विजिटर्स है और बच्चे होली को पकड़ते हैं। वैलेरी होली की हालत पर रो रही थी तो ब्रूस वैलेरी को मार देता है और प्रेजेंट समय में वैलेरी कल्ट गैदरिंग में मर जाती है। मतलब कि ड्रीम में कोई मरा तो असल जिंदगी में भी मारा जाएगा। वैलेरी की मौत पर भी सभी लोग तालियां बजा रहे थे और ड्रीम वर्ल्ड में ब्रूस कहता है कि हम सभी इसी रात का इंतजार कर रहे थे। तभी टॉयलेट से होली की बहन हेजल निकलती है और होली के पास आती है। फिर दो बच्चे होली की माँ को भी वहाँ पर लाते हैं और ब्रूस होली की माँ के फेस की पूरी चमड़ी निकाल देता है और खुद पहन लेता है। होली ये देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और बच्चे होली के सारे कपड़े निकाल देते हैं। ब्रूस होली के लॉकेट को ढूंढता है तो होली प्रेग्नेंट हो जाती है। वो ब्रूस होली के अंदर से एक क्रिएचर जैसी चीज़ बाहर निकलता है। फिर होली प्यार से उस बच्चे को हाथ में लेती है और टिमोसिन हिप्नोटाइज होकर वही पेंटिंग बना रहा था। ब्रूस होली की माँ के पास जाकर उसकी पूरी चमड़ी उखाड़ लेता है और उस चमड़ी से उस क्रिएचर को लपेट लेता है। हेजल भी होली को प्यार से छूती है और तभी हेजल उस पेंटिंग वाली औरत में बदल जाती है जो कि होली की नानी थी। मतलब कि यह सब हर जनरेशन में चलता आ रहा था। होली उस बच्चे को कल्ट के लोगों को दिखाती है और वहाँ पर बारिश भी हो रही थी और कल्ट के लोग होली को अपनी रानी मान रहे थे। ब्रूस एक इंस्ट्रूमेंट बजाकर किसी चीज़ को दुनिया में बुलाता है और उस चीज़ के लंबे लंबे टेंटिकल्स थे। होली अपना बच्चा टेंटिकल्स वाले क्रिएचर को दे देती है, बिल्कुल उसी पेंटिंग की तरह जो कि टिमोसिन ने बनाई थी। और मूवी के लास्ट में होली अपनी एक क्रीपी सी स्माइल देती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है, तो आइए इस मूवी को डिटेल में समझते हैं। जब होली कल की गैदरिंग में गई थी और वहाँ पर जब ब्रूस उसके दिमाग से खेल रहा था तब से होली टिमोसिन और वेलरी घर आए ही नहीं थे। होली अपनी ही ड्रीम में फंस कर रह गई थी और होली की नानी भी उस कल्ट की रानी थी। पर होली की माँ ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियाँ इस कल्ट के चक्कर में फंस जाए और उस क्रिएचर का बच्चा पैदा करें। इसीलिए हेजल के पीरियड होने पर वो उसे मारना चाहती थी और उसे मारकर वो रो भी रही थी। होली की माँ इन सब के खिलाफ थी, इसीलिए वो उस रात के बाद ड्रीम में फंस कर रह गई थी। उस कल्ट के लोगों ने उसकी चमड़ी निकाल कर उसे सजा दी थी और होली ने उस क्रिएचर के बच्चे को जन्म दिया था और वो रानी बन गई थी बिल्कुल अपनी नानी की तरह। मतलब कि जैसा कि होली की माँ चाहती थी कि उसकी बच्चा कल्ट की मेंबर नहीं बने, लेकिन अंत में ही होता है कि होली उस कल्ट के चक्कर में फंस जाती है और वो भी गलती कर देती है और अपनी नानी की ही तरह उसे भी उस कल्ट की रानी मान लिया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए एक और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।